वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर एट एडवर्टाइजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पे बन सकते हैं इस चैप्टर में से और इस चैप्टर में से जो जो मेन मेन क्वेश्चंस है जो राजस्थान बोर्ड के अंदर आने के चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांसेस है और कौन कौन से कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में बन सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर में से तो सबसे पहले सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन विथ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इट इज एन पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन विथ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी कि बता रखा है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेड फॉर्म क्या है जो नॉन पर्सनली कम्युनिकेशन से करा जाता है और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा करा जाता है यानी कि किसी पर्सन के द्वारा स्पॉन्सर के द्वारा उस चीज़ को प्रमोट करा जाता है किसी भी एनीथिंग गुड्स को प्रमोट करना है सर्विसेज को प्रमोट करना है। तो ये कौन सी चीज़ में आ जाएगा ए सेल्स प्रमोशन बी एडवर्टीजमेंट सी लीडरशिप एंड डी मोटिवेशन तो यहाँ पे हम बी एडवर्टीजमेंट पर फोकस करेंगे एडवर्टीजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं विथ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड जो है इट इज़ अ जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट का एक जनरल ऑब्जेक्टिव है ए इन्फॉर्म बी परसुएट सी रिमाइंड अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डी ऑल ऑफ पे ऑल ऑफ दोव पे आएगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जनरल ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करना कस्टमर को परसुएट करना मनाना किसी प्रोडक्ट के लिए के लिए और सी है रिमाइंड अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में रिमाइंड कराना और डी ऑल ऑफ तो यहां पे all of the वो पे ऑल ऑफ हम यहां पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया थर्ड इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एडवर्टीजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट का इंक्रीज सेल्स करेक्ट बी अट्रैक्टिंग मिडलमैन करेक्ट सी अट्रैक्ट न्यू कस्टमर करेक्ट तो डी ऑल ऑफ दो यहाँ पे तीनों ऑप्शन है ऊपर के तो डी ऑल ऑफ दो पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज एन एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट ये एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट कहा गया है इसको ए वॉल्स बी बी एडवर्टीजर एडवर्टीजमेंट एंड डी ऑल ऑफ वॉल्स जो है वो करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस द दिसवर्टीजमेंट बोर्ड्स आर डेकोरेटेड विथ कलरफुल बल्ब और गैस ट्यूब्स किस एडवर्टीजमेंट में बोर्ड को डेकोरेट करा जाता है कलरफुल बल्ब के साथ और गैस ट्यूब के साथ पोस्टर्स एंड डेकोरेट करते हैं कलरफुल बल्ब और गैस ट्यूब के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया पे अंडर दिस मैथड marketers सेंड द एडवर्टीजमेंट मैसेज विद द हेल्प ऑफ पोस्टल और मेल services। यानी yani कि इस मेथड में मार्केटर्स एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने मैसेज का किसके थ्रू पोस्टर्स या मेल सर्विसेज के थ्रू तो ये कौन सा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कहा गया इसको ए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बी मैगजीन एडवर्टीजमेंट सी एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट या डी डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट बाय पोस्ट तो डी ऑप्शन जो है डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट बाय पोस्ट इसके अंदर एडवर्टीजमेंट जो मैसेज करा जाता है वो किसके द्वारा करा जाता है पोस्टल और मेल सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करा जाता है इसके बाद बताया गया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंडर दिस मेथड ऑफ एडवर्टीजमेंट द परचेस काउंटर्स और पॉइंट ऑफ परचेस ऑफ द शॉप्स आर डेकोरेटेड इस मेथड में एडवर्टीजमेंट के परचेस काउंटर और पॉइंट ऑफ परचेस शॉप्स को डेकोरेट करा जाता है कौन सा मेथड है ये इसमें बताया गया सैंडविच मैन मेथड बी ऑप्शन एंटरटेनमेंट एडवर्टीजमेंट सी ऑप्शन पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टीजमेंट और डी ऑप्शन न्यूज़पेपर पेपर एडवर्टीजमेंट तो ये हम पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे जहां पे

टेक्निक ऑफ टेक्निकवर्टीजमेंट विच इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स कंज्यूमर नीड्स एंड फियर फैक्टर कौन सी टेक्निक है एडवर्टीजमेंट की जो किसके ऊपर वेस्ट है दो फैक्टर के ऊपर बेस्ड है टू फैक्टर्स के बेस्ड है कंज्यूमर नीड एंड फियर फैक्टर तो यहाँ पे ए ब्रांड एडवर्टीजमेंट बी इमोशनल अपील सी सरोगेट एडवर्टीजमेंट डी एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिसिटी तो यहाँ पर कंज्यूमर की नीड एंड फियर फैक्टर के अकॉर्डिंग इमोशनल अपील एक एडवर्टीजमेंट की टेक्निक है जो इमोशनल अपील के द्वारा कंज्यूमर को की जरूरत और कंज्यूमर को के बारे में कंज्यूमर को उस चीज़ की जरूरत और उस चीज़ के बारे में उसकी यूजफुलनेस को बता के भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करा जाता है यानी कि फियर फैक्टर शो करके उस चीज के बारे में उस चीज के ना होने से कोई चीज़ होने के नुकसान के बारे में बता के एडवर्टीजमेंट करा जाता है तो ये इमोशनल अपील होती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टीजमेंट करने क्वेश्चन जो है अंडर दिस द एडवर्टीजर्स एडवर्टाइजर्स प्रेजेंट योडक्ट एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट बट नॉट इन कंपेरिजन टू द कॉम्पिटिटर्स इस मैथड में क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाता है बट नॉट इन कम्पेरिजन टू दम्पिटीटर के कंपेरिजन में नहीं दिया जाता तो यहाँ पे ए ऑप्शन इमोशनल अपील बी पैट्रोटिक एडवर्टीजमेंट सी सरोट एडवर्टीजमेंट और डी इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट तो यहाँ डी ऑप्शन है जो इनकम्प्लीट एडवर्टीजमेंट उस पर क्लिक करा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस एडवर्टीजमेंट इट शो हाउ द यूज़ ऑफ सेट प्रोडक्ट और सर्विस रिफ्लेक्ट सपोर्ट फॉर द नेशन इस एडवर्टीजमेंट में जो सर्विस ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है वो सपोर्ट करता है नेशन को तो ए ब्रांड एडवर्टीजमेंट बी पेट्रोटिक एडवर्टीजमेंट सी सरोगेट एडवर्टीजमेंट और डी नॉन ऑफ तो यहाँ पे पेट्रोटिक एडवर्टीजमेंट एक ऐसा एडवर्टीजमेंट है, है? जिसके अंदर नेशन आ, आ, से रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यहाँ पे जो नेशन को प्रमोट करते हो उन प्रोडक्ट एंड को प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे इलेवन क्वेश्चन ही टोटल है इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेन मेन जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे इसके अंदर आ चुके हैं और इनमें से बोर्ड में आने के चांसेस यहाँ पे इस चैप्टर में से क्रिएट हो रहे हैं जो जो एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है थैंक यू